हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं आपका मैथ मेंटर हूं, जिसमें हम कक्षा 11 की चैप्टर गणित के हम लोग पढ़ाएंगे। और कक्षा 11 को हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हमारा पैटर्न क्या होगा, हम आपके डाउट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपसे कक्षा 11 के सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, कक्षा 11 की जो हमारी बुक है, उस बुक में हमारे पास कुल 16 चैप्टर हैं। उन 16 चैप्टरों में सबसे पहले चैप्टर का नाम हमारा समुच्चय है, संबंध फलन है और त्रिकोणमिति फलन है। मतलब ऐसे हमने चैप्टरों को बढ़ते हुए क्रम में आपके सामने रखा है, जिसमें हम शुरुआत समुच्चय से करेंगे और धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेके बढ़ते रहेंगे और आपको प्रायिकता तक पहुंचाएंगे, जिसकी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। देखिए, समुच्चय में क्या पढ़ना है। समुच्चय कक्षा 11 का पहला चैप्टर है, जिसे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि समुच्चय एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर में क्या किया जा सकता है, आ सकता है। जैसे संबंध फलन है, तो संबंध फलन पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, समुच्चय तो आना ही चाहिए। देखिए, हर चैप्टर की अपनी एक खासियत होती है, तो जो खासियत है वो समुच्चय में है। समुच्चय इन सभी चैप्टरों में कहीं भी आ सकता है, इसलिए समुच्चय का महत्व इस वजह से है कि हम अगर समुच्चय नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ बीच बीच में जब भी बातें समुच्चय की होंगी तो हम समुच्चय को नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से समुच्चय क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि आप 10वीं से आगे आ रहे हैं तो आपके लिए यह नया कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, आगे हमारा क्या है, संबंध और फलन है। समुच्चय पढ़ेंगे तो संबंध और फलन को भी बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि जो संबंध फलन है वो समुच्चय का ही क्या है, एक दूसरा रूप है, जिसे पढ़ने के लिए हमें समुच्चय आना ही चाहिए। हर चैप्टर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मैं अगले चैप्टर की तरफ अगर बढ़ूंगा, जिसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति फलन कह रहे हैं। तो अगर आप देखें, अगर आपने पिछली कक्षाओं में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो वहां त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, फलन नहीं पढ़ा होगा। हम यहाँ त्रिकोणमिति फलन पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, समुच्चय पढ़ रहे थे, जो जिसका लिंक किससे था, जिसका लिंक संबंध और फलन से था। आगे आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, त्रिकोणमिति फलन मिल रहा है, जिसका संबंध किससे है, पिछले वाले चैप्टर संबंध एवं फलन से है। इस प्रकार हर चैप्टर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट करते हैं। अतः हमें क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ना है संबंध फलन भी पढ़ना है। संबंध फलन अच्छे से पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति फलन भी समझ में आएगा। देखिए, संबंध फलन और समुच्चय इन सब चैप्टरों का जो प्रयोग है वो आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम क्या है, सीमा तथा अवकलज। बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको सीमा तथा अवकलज में। फलन तो पक्का से पक्का मिलेगा, समुच्चय की बात सॉरी, सीमा और अवकलज तो सीमा तथा अवकलज में क्या आपको समुच्चय देखने के लिए पक्का मिलेगा, और संबंध फलन भी, ठीक है। क्योंकि जो ये सीमा और अवकलज है वो पूरा बेस्ड है किस पर, फलन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, फलन पर। फिर से हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कक्षा 11 में समुच्चय आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था, उसी प्रकार से यहां आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, गणितीय आगमन का सिद्धांत। यहां हम कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, कुछ सूत्रों को जानेंगे कि प्रथम यन प्रायिकिक संख्याओं का योगफल क्या होता है और वो किन किन बातों के लिए सत्य है, कैसे उसके सत्यता की जांच करते हैं। हम उन सब को क्या करेंगे, यहां जांचने का प्रयास करेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिए, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, सममित संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। आप पिछली कक्षा में भी द्विघात के बारे में या बहुपद के बारे में जरूर पढ़े होंगे और आपने द्विघात को अच्छे से सीखा होगा। द्विघात समीकरण के मूल भी ज्ञात किए होंगे, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति भी ज्ञात किए होंगे। हम इस चैप्टर में द्विघात समीकरण के मूल प्रकृति सब ज्ञात करते हुए एक नई चीज सीखेंगे, जिसका नाम क्या है, सममित संख्याएं। यहां हम आयोटा के बारे में जानेंगे, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई संख्या माइनस में रूट में आ जाए तो हम उसे कैसे निपटेंगे। तो उन सब के बारे में जानने का प्रयास हम यहां करेंगे, क्या, सममित संख्या में। अभी तक हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ी हैं। जब हम यह चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो यहां आपको सममित संख्या में आपको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों के बारे में पढ़ने के लिए अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से यह भी आपके लिए क्या होगा, एक नया चैप्टर होगा, रैखिक असमीकरण,
जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेलिटीज हल करेंगे। अभी तक तो समीकरण जो हमें मिलते थे वो इस प्रकार के होते थे, 4x प्लस 3 बराबर 12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इस प्रकार के। अब जो हमें समीकरण मिलेंगे 11वीं में रैखिक असमिका में पढ़ने के लिए, वो इस प्रकार के होंगे, वो 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 12, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो समीकरण पर निर्भर करेगा। यहाँ बराबर का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ बराबर का रोल ना हो करके किसका रोल होगा, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, तो ऐसे ऐसे समीकरण आएंगे जिन्हें हम क्या करेंगे, हल करना सीखेंगे, उनका ग्राफ भी बनाएंगे, उनका ग्राफ कैसे बनता है ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरणों में हम क्या सीखेंगे, समीकरणों के बारे में सीखेंगे। यहाँ रैखिक से तात्पर्य क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये समीकरण वो है जो हम क्या करते थे, समीकरण को हल करने की विधियों में सीखते थे। हम यहाँ क्या सीखेंगे, असमीकाएं जो क्या रहेंगी, इनइक्वालिटीज रहेंगी, मतलब उनके जो चिन्ह रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर के नहीं रहेंगे, हो सकते हैं, ये दूसरी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्रमचय और संचय, यहाँ क्या सीखेंगे हम लोग, क्रमचय और संचय, ठीक है। इसे अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं, मतलब संख्याओं को चुनना और बांटना, समझ रहे हैं। यहाँ हम संख्याओं को क्या करेंगे, चुनेंगे और क्या करेंगे, बांटने के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्या है, द्विपद प्रमेय, क्या है, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय एक नया चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत से सूत्रों को पढ़े हैं, बीजगणितीय सूत्र। कौन कौन से सूत्र हैं, जैसे आपने पढ़ा है a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बहुत प्रयास करा होगा आपने, तो a प्लस बी की होल पावर क्या सीखा होगा, 4 भी सीखा होगा, अन्यथा आप 3 ही पर ही क्या रह गए होंगे, सीमित हो गए होंगे। तो ये जो नया चैप्टर आपके लिए 11वीं में जोड़ा गया है, यह चैप्टर आपको किसी भी घात के लिए सूत्र बनाने और उसके सत्यता की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से लेकर के a प्लस बी के चाहे n घात तक के बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप वेरीफाई कर सकेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है और कैसे होता है, जिसे हम कहां पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ेंगे, जो कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा था, वहां सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिला था जिसका नाम था समांतर श्रेणी। श्रेणी पढ़ेंगे हम, यहां क्या पढ़ेंगे, अनुक्रम कि क्रम क्या होता है और उन क्रमों से जो बनती है वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। श्रेणी हमारे पास 3 होंगी, कौन कौन सी, समांतर श्रेणी जिसे अरिथमेटिक मीन कहते अरिथमेटिक एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोसेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोसेशन है। तीसरा क्या है, एचपी, ठीक है। हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, इन 3 श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे और इनके योगफल पर भी क्या करेंगे, बातें करेंगे। आगे देखिए, हमारा चैप्टर है सरल रेखाएं, क्या है, सरल रेखाएं। देखिए, सरल रेखा हम कार्तीय तल में पढ़ेंगे। अब ये निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है हमारा, किसका पार्ट है, निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सरल रेखा, सरल रेखा मतलब रेखा के समीकरण देखेंगे। रेखा काट रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है, अंतःखंड रूप समीकरण देखेंगे, रेखा के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि जो रेखा है वो कार्तीय तल में कैसे काटती है, कैसे गुजरती है, रेखा का समीकरण क्या है, समझ रहे हैं। तो हम सरल रेखा में रेखा के बारे में जानेंगे कि दो रेखाएं हैं तो वो समांतर कब कहलाएंगी, दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे पर लंबवत है तो लंब होने का क्या प्रतिबंध है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम जिस चैप्टर में करेंगे उसका नाम क्या है हमारे लिए, सरल रेखा है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, कॉनिक सेक्शन जिसे शंकु परिच्छेद कह रहे हैं। तो शंकु परिच्छेद में यह भी हमारे लिए एक नया चैप्टर होगा जिसमें हम लोग किसके किसके बारे में जानेंगे, यहाँ हमें कुल वृत्त, दीर्घवृत्त, अति परवलय के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। शंकु परिच्छेद में यह भी हमारे लिए एक नया टॉपिक होगा जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि जो वृत्त है, जो क्या है, वृत्त है, उसे बीजगणित में कैसे पढ़ना है, ठीक है। एक आकृति आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, क्या परवलय ऐसे, ठीक है। यह हमारा क्या है, परवलय, यह क्या है हमारा, अति परवलय, यह हमारा क्या है, दीर्घवृत्त। तो इन आकृतियों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा कहां पर, शंकु परिच्छेद में, ठीक है। आगे हमारा अगला अध्याय होगा त्रिविम ज्यामिति का परिचय। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, देखिए सरल रेखा जो पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे, सरल रेखा नाम का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो 2D में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, 2D मतलब ऐसी जगह पढ़ेंगे जहां सिर्फ क्या होगा, दो ही अक्ष होगा, एक x अक्ष होगा और दूसरा क्या होगा, y अक्ष होगा। हम लोगों ने कक्षा 9वीं में भी निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्षों के बारे में चर्चा की है, लेकिन अब आप
ग्यारहवीं में है तो हम लोग यहां त्रिविम जामति जिसमें तीन विमाएं हों, ये कौन सी विमी है? द्विविमी है, क्योंकि इसमें दो ही विमाएं हैं। यहां कितनी विमाएं हैं? त्रिविमी, तीन विमाएं होंगी। हम उन तीन विमाओं की ज्यामिति का क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि त्रिविम ज्यामिति को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, त्रिविम ज्यामिति पढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है? सीमा तथा अवकलज है, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे? लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, हम लोग ये कलन में सीखेंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? कलन का पार्ट होगा, जिसके लिए फलन का आना क्या है? जरूरी है। और ये रहा गणितीय विवेचन, जिसमें हम लोग किसी भी बात के बारे में कहेंगे, उसके सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? गणितीय विवेचन। जैसे प्रश्न आते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये कैसे है, उसके सत्यता की जांच कीजिए। का हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? गणितीय विवेचन में पढ़ेंगे। सांख्यिकी से तो आप पहले से ही परिचित हैं। सांख्यिकी जो आंकड़ों का क्या है? संग्रह है। आंकड़ों का क्या है? संग्रह है। इसमें हम आंकड़ों से क्या क्या, माध्यिका, माध्य, बहुलक, ये सारी चीजें निकालते हैं। तो ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सांख्यिकी में पढ़ेंगे। रहा अंतिम चैप्टर हमारा प्रायिकता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। यहाँ हम संभावनाओं को तलाशने का प्रयास करेंगे, जिसे हम क्या कर रहे हैं? शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आप पिछली कक्षाओं में भी प्रायिकता के बारे में पढ़ा होगा। प्रायिकता मतलब किसी भी घटना के घटने और ना घटने के क्या क्या चांसेस होंगे, हम उन सब के बारे में भी एक अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए प्रायिकता को भी आपके किताब में क्या किया गया है? जोड़ा गया है, आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, ताकि आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या कर सकें? संभावना अपनी व्यक्त कर सकें। जो अनुमान आप लगाते हैं, वो अनुमान गणितीय विधि से लगाना सीखें आप। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।